गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ डार्क अंडर आई। हाँ तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडर आई डार्क सर्कल DIY। और गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ डार्क हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ यू गाइज आर डूइंग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडर आई डार्क सर्कल DIY। एंड गाइज अगर आप डार्क सर्कल इशू से परेशान हैं प्लस इफ यू आर सफरिंग विद फाइन लाइंस रिंकल्स तो ये DIY आप जरूर ट्राई करें। एंड ट्रस्ट मी गाइज इट्स सुपर सिंपल एंड सुपर इफेक्टिव। जितना बोलते हुए मुझे टाइम लग रहा है बस इतना ही इस DIY को बनाने में टाइम लगेगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं सेम आप यूज़ करिएगा। और जैसे हम एप्लीकेशन बताने वाले हैं इसी तरह से अगर आप यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली आप 10 डेज यूज़ करते हैं तो जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना वो सब आपको आईज एरिया की साइड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको वो सब आपको 10 डेज के अंदर ही टाटा बाय बाय बोल देंगे ट्रस्ट मी गाइस। बट आपको इसको रेगुलरली नाइट स्किन केयर रूटीन में आपको इंक्लूड करना होगा अपने। एंड यस विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट मेक श्योर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा और यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल लिया है एंड नेचर्स का एलोवेरा जेल लिया है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, आप इसको किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से परचेज कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको लिया है इन सारे इन्ग्रीडियंट को मिक्स करने के लिए। और गाइज इसमें जो मैं यूज करने जा रही हूँ वो मैं लूँगी यहाँ पे नेचर्स का एलोवेरा जेल क्योंकि इसमें पेपरमिंट भी है तो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कूलिंग इफेक्ट देगा हमारे आईज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून लेने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। और गाइज आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल जो होगा मार्केट वाला वो क्या होता है बहुत ही अच्छा एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है आपकी स्किन को एंड प्लस कूलिंग इफेक्ट देता है और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्किन पे एलोवेरा जेल के। और गाइज इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल। मैंने इसको कट कर लिया है यूजिंग सीजर और इट्स अप टू यू गाइज अगर आप कट नहीं कर पाते हैं तो आप नीडल सुई जिसको बोलते हैं उसकी हेल्प से आप पोक करके और इसके इंग्रेडिएंट हैं विटामिन ई कैप्सूल के उसको आप निकाल के और एलोवेरा में इसको हम लोग तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर कम्प्लीटली वाइट ना हो जाए एज वेल कैन सी। और यहाँ पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको इस कंटेनर को हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे गाइज। और जब भी आपको इसको अप्लाई करना होगा नाइट टाइम में जब आप सोने जा रहे होंगे तो बिफोर स्लीपिंग जब आप बेड पे एकदम सोने जा रहे होंगे तब आपको इस क्रीम को लगाना होगा गाइज। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एंड गाइज विटामिन ई जो है वो एजिक का वर्क करेगा ट्रस्ट में। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि इस DIY को हम कैसे बनाएंगे और बनाने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो गाइज इस DIY को बनाने के बाद आपको स्टोर करना होगा इसको रेफ्रिजरेटर में 4 to 5 आवर्स तक के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बॉक्स में मैंने इसको करके इस DIY को स्टोर कर रखा था और ये देखिए कुछ क्रीमी फॉर्म में था ये। तो अब हम इसको लगाने स्टार्ट करेंगे। गाइज इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने रिंग फिंगर को ही यूज करेंगे। वाई एम टेलिंग रिंग फिंगर क्योंकि जो इसका प्रेशर होता है बहुत कम होता है और हमारे आईज एरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इसलिए आप रिंग फिंगर को यूज करेंगे। और मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे कि कैसे इसको लगाना है। थोड़ा सा आपको लेना होगा क्रीम और फिर उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है इस डायरेक्शन में। गाइज अगर आपकी रिंकल्स की इशूज हैं एंड फाइन लाइंस की इशूज हैं आईज एरिया पे तो आप इसको ऐसे करके लगाते जाएंगे इस डायरेक्शन में। और आपको थोड़ी देर तक इसको मसाज करना होगा यहाँ पे क्योंकि ये मसाज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब आप बेड पे कम्प्लीटली सोने वाले होंगे तब आप इस क्रीम को लेके इस DIY को लेके आप अच्छे से लगाएंगे। आईज के ऊपर भी आपको लगा लेना होगा। गाइस मैं अभी लगा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स सा फील हो रहा है बिकॉज इसको मैंने फ्रिज से निकाला है और बहुत ही ज़्यादा कूलिंग सा इफेक्ट मिल रहा है। तो इसके बाद जो है आपके आईज में बहुत ही ज़्यादा एक रिलैक्स सा फील होगा एंड प्लस इट्स वेरी इफेक्टिव गाइस ट्रस्ट मी। अगर आप इसको करते हैं कंटिन्यूसली तो आपके आईज पास जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको
धीरे धीरे करके ये हटाएगा। डायरेक्टली इसका असर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ स्लोली ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो जरूर आप अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करें। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सून आई विल ब्रिंग मोर सच ऑसम वीडियोज फॉर यू गाइस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।